एक बात तो यह है कि सोशल मीडिया की क्रेडिबिलिटी अब काफी धीरे धीरे करके इरोड हो रही है। आज से 3 साल पहले जो सोशल मीडिया में आता था और जितना उसका प्रभाव होता था समाज में, आज उसका प्रभाव थोड़ा कम हो रहा है। तो हमारे को थोड़ा जितनी, अगर आपके पास टाइम हो और ये आपके पास ऐसे कुछ लोग हों जो वॉलंटियर ऐसे कर सकते हैं, सोशल मीडिया के अंदर कुछ इस तरह की स्टोरीज को देखें जिसके अंदर टोटल ब्लैटेंट लाइज जो है उनको आप उजागर कर सके विद ए वेरी ऑथेंटिक थिंग। आप उसका जवाब दें, आपके पास कोई फोटोग्राफ हो, आपके पास में कोई इस तरह, जैसे इंडियन आर्मी के बारे में कई चीजें जो आती हैं वो बिल्कुल ये है कि जिससे हमारी कंट्री की डिफेंस फोर्सेस का मोरल डाउन हो जाए। कभी कभी वो इस तरह की चीजें अपनी यूनिट्स के बारे में या हमारे अफसरों के बारे में लिखते हैं जिससे कि जवानों का फेथ या कॉन्फिडेंस अपनी लीडरशिप पर शेक हो जाए। तो आप लोग ऐसे एक्ट है इसको स्ट्रांगली रजिस्टर। इसी तरह से सरकार के अंदर में कई चीजों के बारे में ऐसा कहा जाता है जो कि बातें बिल्कुल गलत है। तो अगर डिफेंस फोर्सेस के लोग, रिटायर्ड लोग किस तरह से वो करें तो एक वो कर सकते हैं। एक बात यह है कि अगर रिसर्च हो सके और काम करने का टाइम हो, किसी पर्टिकुलर टॉपिक जिसमें आपका इंटरेस्ट भी हो ये हो, उसमें कुछ करके सोशल मीडिया में कुछ समय समय पर फर्स्ट रिस्पॉन्डेंट्स बने जब कोई घटना घटती, क्योंकि सोशल मीडिया के अंदर में यह देखा गया कि मान लिया जाए कोई घटना घटी, उसके अंदर में जो ट्रैश आना शुरू होता है वो पहले 4 घंटे 6 घंटे के अंदर में नैरेटिव को डोमिनेट कर देता है। उसके बाद में जो आते हैं उसके ऊपर में इतना अधिक ध्यान लोगों का नहीं जाता। इफ यू कुड बी द फर्स्ट रिस्पॉन्डेंट्स ऑफ समथिंग दैट इट इज दिस थिंग। अब ये भी होता है कि भाई अगर आपको कोई चीज रिपोर्ट नहीं करनी है तो आप फर्स्ट रिस्पॉन्डेंट कैसे हो सकते हैं, पर ये हो सकता है। आप इसको किसी चीज को अगर आप सोचते हैं कि जैसे कोई घटना घट जाती है जिसमें ये आया कि फर्ज करिए कश्मीर के अंदर में किसी गांव के अंदर में कोई ऐसी घटना घटी जिसमें सोल्जर्स ने कोई ऐसा काम किया जो कि लोगों ने वो मतलब एक चीज अखबार में, तो फिर आप अपना सही पर्सपेक्टिव अपना थोड़ा पूछिए, अपना थोड़ा सही करके अगर पहले 500-700 आइटम्स जो है उसके अंदर में एक सही पर्सपेक्टिव में एक सही चीजों को अच्छी रूप में बताया जा सके, उसके बाद में जब 3 घंटे के बाद 4 घंटे के बाद में जब बाकी नैरेटिव शुरू होता है तब तक वो स्टिल हो जाता है। और हमारे यहां जो ज्यादा रीजनेबल वो आते हैं वो करीबन 12 घंटे 16 घंटे 18 घंटे के बाद है, उसको कोई नहीं पता, इट इज वेरी लेट। ये है थोड़ा सा, बाकी मेरे ख्याल से देश के अंदर भी पेट्रेट्स की कमी भी नहीं है, बहुत सारे लोग हैं नेशनलिस्ट हैं, लिखते भी हैं, ये भी करते हैं, लेकिन उनके पास कुछ टाइम कम होता है, थोड़ा टाइम निकालना पड़ता है, थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ता है सोशल मीडिया को, तो सोशल मीडिया के थ्रू ही काउंटर करना पड़ेगा। एक बात यह होती कभी कभी कि क्या सरकार को कानून बनाने चाहिए सोशल मीडिया को। अब कुछ तो है जहां पर किसी की लाइफ का थ्रेट है या कुछ है, लेकिन अगर हम सोशल मीडिया के थ्रू लोगों की आवाज को ये करें उसका नेगेटिव इफेक्ट ज्यादा होगा, शायद इसका धीरे धीरे प्रभाव जो है सोशल मीडिया इतना प्रभावी नहीं रहेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।